हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो 14 प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के, 6 हमने पिछली वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लिए थे, बाकी जो 8 प्रिंसिपल बचे हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पिछली वाली वीडियो में थोड़ा हमने हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा था और 6 प्रिंसिपल जो थे हमारे उनको हमने डिस्कस करा था। तो 7 प्रिंसिपल हमारा क्या है, रिमनग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उस काम के बदले उसे जो भी सैलरी बेजिस मिलते हैं दैट इज रिमनग्रेशन। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो ओवरऑल पे होता है, कंपनसेशन होता है एम्प्लॉय को, वो क्या होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए, यानी दोनों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कंपनसेशन फेयर होना चाहिए, फेयर टू एवरीबॉडी। फेयर टू एवरीबॉडी मतलब दोनों के लिए वो फेयर होना चाहिए। हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, जो भी रिमनग्रेशन पेमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है अगर वो फेयर है तो क्या होगा उसे, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और काम को और अच्छे से करेगा। कॉर्डियल रिलेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन कमिटमेंट, उनका रिलेशन बहुत अच्छा होगा एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मैनेजर के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय क्या होंगे, फेथफुल हो जाएंगे। 8th प्रिंसिपल है हमारे पास, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी सेंट्रलाइजेशन क्या है कि जब डिसीजन मेकिंग पावर कुछ लोगों के हाथ में होती है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जब डिसीजन मेकिंग की पावर कुछ लोगों के हाथों में नहीं बल्कि कुछ अलग और भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, there is a need to be balanced subordinate involvement through decentralization, manager retention of final authority through centralizations। subordinates को कितने power provide करवानी है वो decentralization देखता है, और managers को कितने powers देखने हैं वो centralization देखता है। quick decision at middle and operation level, centralization और decentralization में proper balance होगा तो उससे quick decision लेने में सहायता मिलती है। 9th प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर एंड द सबॉर्डिनेट्स। स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी में चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, वो एक चेन में टॉप से बॉटम तक रन करती है, एक चेन में उसमें सबॉर्डिनेट्स मैनेजर उसको फॉलो करते हैं। फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाइएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी मीन्स जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय जो है, जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उस चेन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आपको पिक्चर शो हो रही है टॉप से बॉटम तक। अब जैसे डी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सी से बात करेगा कि ये प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में, और सी जो है वो बी से बात करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है, देन बी जो है ए को मैनेजर को बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम है। तो वो क्या है कि बॉटम से टॉप तक ये क्या जा रही है, एक चेन जा रही है। अब डी जो है वो सीधा ए से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो क्या होगा, वो उस स्केलर चेन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन में एक स्केलर चेन को फॉलो करना कंपल्सरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली ग्रो कर पाएगी और फास्ट ग्रो कर पाएगी। इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन भी इफेक्ट होता है। 10th है हमारे पास प्रिंसिपल ऑर्डर, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, यानी हर चीज़ के लिए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, यानी ह्यूमन बीइंग हो या नॉन ह्यूमन बीइंग हो, दोनों के लिए एक प्रॉपर प्लेस हो जहाँ वो अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर मैनर में सब मैनेज कर सके। People and material must be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency।
यानी चाहे कोई मटेरियल हो या पीपल हो, वो सुटेबल पर पर्टिकुलर प्लेस पर किसी अप्रोप्रिएट टाइम पर होना चाहिए। उससे क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड नो वेस्ट टाइम। अगर ऐसा होता है कि प्रॉपरली प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन प्लेस है किसी चीज़ के लिए, तो उससे क्या होगा कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ होगा और टाइम की वेस्टेज नहीं होगी। देन 11th है हमारे पास इक्विटी। देयर शुड नॉट बी एंड डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर एंड नेशनलिटी। यानी कि एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके रिलीजन को लेके, लैंग्वेज को लेके, कास्ट को लेके या जेंडर को लेके, उनके बेस पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइज नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर हेनरी फ्योल कहता है कि अगर इनमें इक्विटी होनी चाहिए, अगर इक्विटी नहीं होती है तो वो अपना काम एम्प्लॉयज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएगी। कोई भी कंपनी जो है वो एम्प्लॉय से मिलकर बनती है, तो अगर एम्प्लॉयज़ में रिलेशन अच्छा होगा तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगी, एम्प्लॉय एक दूसरे से खुश होंगे, मोटिवेट होंगे। इम्प्रूव सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन, कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। 12th प्रिंसिपल है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। देयर शुड बी प्रॉपर एफर्ट टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉपर एफर्ट्स करने चाहिए ताकि जो एम्प्लॉय है उसकी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी बनी रहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड प्रोसीजर वन सिलेक्टेड मिनिमम पीरियड। कोई भी एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, उसकी स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहे और वो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन में काम करे सभी एम्प्लॉयज़। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, नो वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। इससे क्या होगा कि टाइम और रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगी। इनिशिएटिव, वर्कर शुड बी एनकरेज्ड एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मार्केटिंग एंड एग्जीक्यूटिव द प्लान्स। इनिशिएटिव होता है पहल करना। वर्क शुड बी एनकरेज एंड गिवन अपॉर्चुनिटी, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करना, उनको हमें मोटिवेट करना ताकि वो इनिशिएटिव एंड मतलब वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहल कर सके, कोई भी डिसीजन लेने में पहल कर सके। मार्केटिंग एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्लान्स, मार्केटिंग के लिए जो भी हमें प्लान बनाने हैं उनमें वो पहल कर सके। इनिशिएटिव, टॉकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इंक्रीज इन मेंटल ग्रोथ, अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहल करने का जो है स्टेप ले रहा है तो उससे क्या होगा, उसकी मेंटल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगी और वो मोटिवेटेड होगा और ज़्यादा। और इसी ऑर्गेनाइजेशन को यही चाहिए कि उसका एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो, कॉन्फिडेंट हो, ट्रस्टेड हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। लास्ट वन प्रिंसिपल है हमारा स्प्रेड द क्रॉप। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्प्रिट, यूनिटी एंड हारमोनी अमंग एम्प्लॉयज़। कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच क्या होने चाहिए, एक टीम स्प्रिट होनी चाहिए, एक ग्रुप अच्छा होना चाहिए, उनमें एक ग्रुप की भावना होनी चाहिए, एक टीम की भावना होनी चाहिए कि उसमें वो सारे क्या करें कि प्रॉपरली काम कर सके, प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकें, एक टीम की तरह काम करना। Especially in large organization because otherwise objectives would be difficult to realize and there will be a loss of coordination. किसी बड़ी organization में तो ये बहुत ही ज़रूरी है एक team spirit में काम करना। इससे क्या होता है कि help in achievement of group goal, जो भी group goal है उनको achieve करने में बहुत ज़्यादा help मिलती है। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमने पहले जो है थे 6 डिस्कस कर रहे थे और आज जो हमने 8 जो है वो डिस्कस कर